नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से इस वक्त हम आपके साथ है लाइव जुड़े हुए। तस्वीर है सोलन सब्जी मंडी की, हम दिखा रहे हैं। मंडी में बड़ी मात्रा में लोकल टमाटर की आपूर्ति हो रही है। तस्वीरें आप लोकल टमाटर की भी देख रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी में टमाटर बड़ी मात्रा में पहुंच रहा है लोकल। और रेट की बात करें तो टमाटर के रेट में उसी तरह की गिरावट नज़र आ रही है। मंदी की मार इस वक्त टमाटर झेल रहा है किसानों को। टमाटर अभी फिलहाल तो घाटे का सौदा साबित हुआ है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि टमाटर के रेट में बढ़ोतरी नज़र आए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। अभी की बात करें तो टमाटर के भाव में किसी प्रकार की तेजी नज़र नहीं आ रही है। मंदी की मार इस वक्त टमाटर झेल रहा है। किसान परेशान है कि टमाटर जो कुछ समय पहले एक महीना पूर्व 1000 रुपये तक सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि टमाटर के रेट में इस तरह की गिरावट देखने को मिली है। सोलन सब्जी मंडी की यह तस्वीर है, इस वक्त आप देख रहे हैं लोकल टमाटर बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है। और टमाटर के रेट मंडी में आज और टमाटर के रेट मंडी में लोकल और लोकल टमाटर मंडी में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं 200 से 250 रुपए प्रति क्रेट मंडी में बिक रहा है। तो 200 से 250 रुपए प्रति क्रेट मंडी में बिक रहा है, यह रिटेल रेट है। और जो किसानों से खरीदा होगा तो 150 से 200 रुपए के बीच में यह टमाटर खरीदा होगा। और यह भाव मंडी में चले हुए किसानों को यदि देखें तो कल वाला मान है और सूर्या में सूर्या के इतना सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त आप देख रहे हैं टमाटर बड़ी मात्रा में मंडी में टमाटर के इस वक्त आवक है। बड़ी मात्रा में टमाटर सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त पहुंच रहा है और हिमसोना टमाटर है जिसकी आने वाले दिनों में रेट में ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी, ऐसी संभावना बनी है जब मौसम थोड़ा सा अनुकूल होगा। क्योंकि सोलन में अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही है और मैदानी राज्यों का टमाटर अभी चला हुआ है। मैदानी राज्यों में भी बारिश नहीं हो रही है और टमाटर वहां का चला हुआ है नाम, जिसकी वजह से रेट में गिरावट है। व्यापारी बड़ी कम संख्या में मंडियों में पहुँच रहे हैं। बाहरी राज्यों के व्यापारी जो टमाटर की खरीद के लिए आते थे वो अभी मंडी में नहीं पहुँचे हैं। कारण है कि उनके राज्यों में ही अभी टमाटर भरपूर मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है। लगातार टमाटर की आपूर्ति अब आवक बढ़ती जा रही है और ये टमाटर आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं 200 से 250 रुपए के बीच में रिटेल में बिक रहा है। थोक में तो 150 से 200 रुपए के बीच में टमाटर का रेट बना हुआ है। किसान परेशान है, अभी फिलहाल टमाटर मंडी की मार झेल है, लेकिन संभावनाएं जरूर बनी है कि आने वाले दिनों में टमाटर तेजी जरूर पकड़ेगा। क्योंकि 15 जून तक मॉनसून हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे रहा है, उससे पहले मैदानी राज्यों से होता हुआ मॉनसून हिमाचल प्रदेश में पहुंचेगा। और जब बारिश वहां पर होगी और उसके बाद वहां का टमाटर का सीजन थोड़ा समाप्त होगा तो हिमाचल प्रदेश के टमाटर की डिमांड भी बढ़ेगी। आने वाले 10-15 दिनों बाद रेट बढ़ने की उम्मीद जरूर बनी है, लेकिन जिस तरह का रेट पिछली वर्ष किसानों को मिला था उस तरह की संभावना फिलहाल अभी कम नज़र आ रही है। सोलन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको देख रहे हैं मंडी में, जहां भी नज़र दौड़ाएं धीरे धीरे अब टमाटर की जो आपूर्ति है वो बढ़ती जा रही है। लोकल टमाटर की हरियाणा का टमाटर अब आना कम हो गया है, लेकिन कुछ एक दुकानों में हरियाणा का टमाटर जरूर आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर अब लोकल टमाटर सोलन सब्जी मंडी में आना शुरू हो गया है। टमाटर के रेट आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको टमाटर की क्वालिटी इस वक्त दिखा रहे हैं। बड़ी मात्रा में टमाटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त हो रही है। विकास जी हमारे साथ अब जुड़ गए और तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं। मंडी में हमारे साथ विकास जी इस वक्त जुड़े हैं और महाराज बाबू जी राम राम। विकास जी आपने तो काफी टैटू लगा दी। हाँ जी, हाँ जी,
क्या रेट चला हुआ टमाटर? भाजी टमाटर बिका नीचे से आया था जो संडोरा साइड से, वो आया था हाइब्रिड, वो बिका 200 रुपए, और पहाड़ी टमाटर है यहाँ का वो 250 रुपए बिके आज इज्जत से। वैसे 250 का रेट है नहीं, पर आज इज्जत से बिके क्योंकि डबल मंडी है। हाँ, क्राउड ठीक है ना आज मंडी में, ग्राहक भी ठीक है। ये है लोकल टमाटर ज्यादा आना शुरू। हाँ, धीरे धीरे, अभी उतनी रफ्तार पकड़ी नहीं है, पर मेरे ख्याल से 10 दिन में फुल रफ्तार पकड़ेगा फुल। आने वाले दिनों में तो रेट अभी भाजी अभी ऐसा है कि बड़ी हद 50-60 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि नीचे अभी टमाटर बहुत है, बल्क में है टमाटर, बल्क में बोलते हैं, नीचे पूछ नहीं रहा कोई नहीं टमाटर को, इतना टमाटर है। पर ये है कि चलो, हम तो यही दुआ करेंगे कि हमारे भाइयों का टमाटर जल्द से बिक जाए, हिमाचल का टमाटर। बाकी टमाटर का रेट जो है वो एक महीने के बाद बढ़िया आएगा। बढ़िया, अगर बारिश होगी तब भी आ जाएगा रेट, अगर बढ़िया नीचे भी बारिश होगी यहाँ बारिश होगी तब भी रेट आएगा बढ़िया करके। भाजी ऐसा है, टमाटर लाल हो रहा है, जल्दी से लाल हो रहा है टमाटर, ये बात है। उससे आगे ये लोडिंग वाला टमाटर नहीं है, लोडिंग में लाल टमाटर चलेगा नहीं, ये नीचे पहुंचेगा नहीं, पटाखा मार जाएगा नीचे, ये बात है। और आप किस तरह का टमाटर मंडियों में पहुंच रहा है? बिल्कुल पका हुआ टमाटर आ रहा है, और यही वजह है कि टमाटर के जो रेट है उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। किसान परेशान है। किसान पिछले वर्ष की बात करें तो मंदी की मार किसानों ने झेली थी बरसात के सीजन में, और यही स्थिति अब गर्मियों के सीजन में आ गई है। जगदीश शर्मा जी संतराम ने की जी, कल फ्रासबिन 45 रुपये थी, अभी रेट खुला नहीं। कपिल देव चौहान जी संतराम ने की जी, बीनू दीवान जी और ऋतु चौहान जी, सभी का स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है सोलन सब्जी मंडी से। इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की हम आपको दिखा रहे हैं। टमाटर मंडी की मार है इस वक्त, झेल रहा है किसान, परेशान है किसान, बेहाल है, क्योंकि किसानों को मेहनत भी नहीं मिली, मेहनत तो दूर, यहाँ पर मंडियों तक पहुँचाने का किराया भी टमाटर से नहीं मिल पा रहा है। तो मंडी में टमाटर की जो क्रेट है वो 200 रुपए से लेकर 250 रुपए के बीच में बिक रही है, लेकिन यह रिटेल का रेट है। किसानों का यदि हम बात करें तो 150 से 200 रुपए के बीच में ही टमाटर, हद से 250 रुपए के बीच में भी कुछ एक क्रेट बिक रही होगी, तो कुल मिलाकर 8 से 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में टमाटर बिक रहा है। किसान की जो मेहनत है वो भी पल्ले नहीं पड़ रही है, और आने वाले दिनों में यदि मानसून समय पर मंडी सोलन में नहीं पहुँचा, या हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक नहीं दी, क्योंकि मैदानी राज्यों से होता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचेगा, तो उसके बाद ही कुछ निचला से मैदानी राज्यों का सीजन टमाटर का समाप्त होगा, क्योंकि मैदानी राज्यों में भी टमाटर इस वक्त बल्क में है, बड़ी मात्रा में टमाटर की पूछ वहाँ पर भी कम है, और हिमाचल की मंडी में अभी बाहर के व्यापारी नहीं आ रहे। विशेषकर यदि हम सोलन मंडी की बात करें तो रिटेल में ही टमाटर की बिक्री हो रही है, और टमाटर की जो आवक है वो लगातार बढ़ती जा रही है। स्थिति यह है कि जो रिटेलर है वो भी लिमिटेड है, और पका हुआ टमाटर मंडियों में आ रहा है, और क्योंकि धूप के वजह से टमाटर जल्दी पक रहा है, ये स्थिति बनी हुई है, और यही कारण है मटर आज 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रिटेल में बिका है, थोक में 5 रुपये नीचे ही होगा, 40 से 45 रुपये के बीच में रिटेल में 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मटर बिका है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, बहुत बहुत धन्यवाद।